तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होगा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। दोस्तों, यह जो वीडियो है पेटीएम साउंड बॉक्स से रिलेटेड है और आपके बहुत सारे डाउट्स हैं जो क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि मैं ऐसे 10 सवाल के जवाब दूंगा जो कि बिल्कुल सॉलिड होगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, इस सवाल का जवाब मेरे पास है, तो थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा, लेकिन कम्प्लीट देखिएगा। फिर भी लगता है कि नहीं यार, मेरा जो क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर नहीं किया गया, तो कमेंट जरूर करना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि यह पार्ट वन है। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लाइक तो आप अपने हिसाब से कर देना, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज्यादा करना, क्योंकि जैसे आप परेशान हो, आपको हेल्प की जरूरत है, वैसे और भी भाई बंधु को हेल्प की जरूरत है, तो उनका हेल्प हो सके। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो पहला सवाल यह है, और बहुत सारे लोगों के मन में आया है और कॉमेंट्स भी हमारे पास आया है कि साउंड बॉक्स को मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैंने रिसीव भी कर लिया है, ओपन नहीं किया है, जैसे का तैसे मैंने रखा है, तो क्या हमें मंथली चार्ज देना पड़ेगा? तो बहुत लोग ऐसे कमेंट किए हैं, तो इसका मैं आंसर देने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। देखो, उसमें क्या होता है दोस्तों, पेटीएम साउंड बॉक्स दो तरीके से हम लोग को मिलता है जो मर्चेंट होते हैं। पहला, अपन जो खुद ऑर्डर करते हैं, दूसरा उनके जो एजेंट होते हैं वो हमें देते हैं। अगर आप खुद से ऑर्डर करते हो, तो जैसे ही आप ऑर्डर करते हो अपने पेटीएम नंबर से, वो उसी वक्त आपके पेटीएम नंबर पर मैप हो जाता है। अब रही बात रेंटल चार्ज की, तो जैसे ही आउट ऑफ डिलीवरी होता है, जैसे आप रिसीव कर लेते हो, सिस्टम में दिखता कि हाँ आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया, उस दिन से आपका जो चार्जेस है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो बेसिकली यही है कि जो आप ऑर्डर करते हो, रिसीव कर लिए हो, उसको अनबॉक्सिंग करो या नहीं करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो चार्जेस है वो अप्लाई हो जाता है। दूसरा सवाल यह है कि जो पेटीएम का रेंटल चार्ज है वो कहाँ से कटेगा? हमारे वॉलेट से कटेगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक से कटेगा, या फिर हमारा जो पर्सनल अकाउंट है उससे कटेगा? ये भी बहुत लोगों का सवाल है और कन्फ्यूजन भी है इसमें। तो देखो, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं अपने मर्चेंट अकाउंट से, मतलब जो पेटीएम का अकाउंट है उसे जैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे पेटीएम और बिजनेस ऐप में दिखता है कि हाँ भैया ये पैसे रिसीव हुए, वो अगले दिन सेटल होता है, राइट? यही होता है। अब जो रेंटल चार्जेस कटता है, जिस दिन उसका महीने पूरा होता है, उस दिन जो पेमेंट आप एक्सेप्ट करते हो, जैसे वो सेटल होता है आपके अकाउंट के लिए, चाहे वो आपने वॉलेट के सेट किया हो, चाहे आपने पेटीएम पेमेंट बैंक में सेट किया हो, चाहे अपने प्राइमरी अकाउंट जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसमें किया हो, तो जैसे ही वो सेटल होता है वो उसी में से डिटेक्ट हो जाता है। आपके वॉलेट से नहीं कटेगा, ना आपके पेटीएम पेमेंट बैंक से कटेगा, ना आपके कोई पर्सनल अकाउंट से कटेगा। जैसे वो सेटल होता है, उस सेटल अमाउंट में से ही वो डिटेक्ट होकर फिर आपके खाते में जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे यार, मैं तो पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता, फिर मेरा कैसे कटेगा? तो देखो क्या होता है, आपका ड्यूज में दिखता रहेगा, फिर पेटीएम आपको इन्फॉर्म करेगी, फिर आप पे कोई एक्शन लेगी, पर आपके वॉलेट से नहीं कटेगा, पेटीएम पेमेंट बैंक से भी नहीं कटेगा, आपके कोई प्राइमरी अकाउंट से भी नहीं कटेगा। किसी में कट जाता है वो अलग केस होता है, 100 में आपको एक दो केसेस मिल जाते हैं, पर ऐसा रूल नहीं है कि आपके वॉलेट से कटे, पेटीएम पेमेंट बैंक से कटे, या फिर आपके कोई पर्सनल अकाउंट से कटे। तीसरा सवाल, लोग ये पूछते हैं कि जो इसका रेंट होता है हमें कब तक देना होगा? सिंपल सा बात है, जब तक आप इसे यूज में लेंगे जब तक आपको रेंट देना होगा। चौथा सवाल, लोग पूछते हैं कि सर, उसमें जो सिम लगी होती है उसके जगह क्या मैं अपना पर्सनल सिम यूज कर सकता हूँ, या फिर जो उसमें लगी है सिम वो मैं अपने मोबाइल में डालकर यूज कर सकता हूँ? तो इसका आपको जवाब मैं देना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ना उसका सिम आप यूज कर सकते हो, या फिर आप अपना सिम उसमें यूज नहीं कर सकते, वो एक वर्चुअल सिम होता है। और अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोग मैंने देखा ये पूछते हुए कि भाई अगर मैं अपना पेटीएम अकाउंट डिलीट कर दूं, पेटीएम को ब्लॉक कर दूं, पेटीएम डीएक्टिवेट कर दूं, तो क्या साउंड बॉक्स का रेंटल प्लान कटेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऐसा करते हैं, पेटीएम को डिलीट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, कुछ भी करते हो, आपका फिर भी जो साउंड बॉक्स का रेंटल प्लान है वह कटेगा ही कटेगा, क्योंकि साउंड बॉक्स का एक अलग अकाउंट होता है और जो पेटीएम आपका होता है यह अलग अकाउंट होता है। जो साउंड बॉक्स है उनके जो कस्टमर केयर होते हैं वहां से डीएक्टिवेट करने का प्रोसेस है। आप अपना पेटीएम डीएक्टिवेट करो, चाहे ब्लॉक करो, कुछ भी करो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका साउंड बॉक्स ऑलरेडी एक्टिव रहता है। सवाल यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछते हैं कि हमें जो पेमेंट एक्सेप्ट करना होता है अपने क्यूआर कोड से, अगर सामने वाला हमें फोन पे, गूगल पे या फिर किसी और ऐप से करे, तो वो हमारे ऑफर वाले में इंक्लूड होगा, मतलब जो 30 ट्रांजेक्शन या फिर कोई ऑफर चल रहा है? तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पेमेंट जो एक्सेप्ट करना है वो आपको पेटीएम क्यूआर से ही करना है, सामने वाला किसी से भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आपको पेटीएम क्यूआर कोड से ही पेमेंट को एक्सेप्ट करना है, तो आपको ऑफर में इंक्लूड होगा, सामने वाला किसी से भी। अगला सवाल है, लोग बोलते हैं सिम को चालू कैसे करें?
करें और इसका रिचार्ज हमें करना पड़ेगा या फिर कैसे होगा? तो देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जो सिम होता है वो ऑलरेडी चालू होकर ही हमारे पास आता है, वो चाहे आप एजेंट दे चाहे हम खुद ऑर्डर करें, वो ऑलरेडी ऊपर से चालू होकर ही आता है और इसको रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं होती। और हम लोग जो रेंट पे करते हैं वो सिम का ही होता है और कोई चार्जेस नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हम किसी पेटीएम को दे रहे, नहीं, वो सिम के रिचार्ज के लिए रेंटल होता है। अगला सवाल है, कुछ लोग ये बोलते हैं सिम कार्ड क्यों लगा होता है? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, सिम कार्ड इसलिए लगा होता है कि जो हमें नोटिफिकेशन आता है वह सिम के कनेक्टिविटी से ही आता है। अगला सवाल है कि पेटीएम साउंड बॉक्स को कितने समय तक चार्ज करना चाहिए? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, पेटीएम साउंड बॉक्स को अप्रोक्स मान के चलो 1-1.5 घंटे चार्ज करोगे फुल चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, लोग पूछते हैं कि फुल चार्ज हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा, डाउन हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा, हमें दिखता तो है नहीं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही आपका पेटीएम साउंड बॉक्स ऑन रहेगा, ध्यान रहे ऑन होना चाहिए, जैसे ही पेटीएम साउंड बॉक्स ऑन रहेगा आप चार्जिंग में लगाए रहोगे तो बोलेगा आपकी बैटरी फुल हो गई है, और जैसे ही कम होगा उस वक्त तो ऑन रहेगा ही रहेगा तो बोलेगा आपका बैटरी कम हो गया है। तो ऐसा नहीं कि मैं चार्जिंग में लगा दिया और साउंड बॉक्स ऑफ है फिर वो नोटिफिकेशन, मतलब वो नहीं बोलेगा कि आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया, तो आपको ऑन करके लगाना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही सवाल है। अभी भी कुछ आपको डाउट है या फिर आपके क्वेश्चन को मैं पिक नहीं कर पाया तो कॉमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।